होलिका दहन के बाद धुलेंडी और रंगपंचमी नगर में शांति व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए प्रशासन ने शांति समिति की बैठक आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पुलिस थाना मंडलेश्वर द्वारा आयोजित शांति समिति की बैठक में नायब तहसीलदार TI गोपाल निकवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विश्वदीप मोहिदे, CMO शिवजी आर्य के समक्ष गणमान्य सदस्यों ने आगामी त्योहार के संबंध में अपने सुझाव रखे। लगभग 15 स्थानों पर होली का दहन होना है, उसके बाद धुलेंडी पर सूखे रंग लगाए जाने पर सहमति हुई। रंग पंचमी पर नगर परिषद द्वारा गेर निकाली जाएगी। अध्यक्ष विश्वदीप मोहिदे के अनुसार गेर निकाली जाएगी, गेर चलित होगी या स्थायी, इस पर निर्णय जल्द लिया जाएगा। धुलेंडी के दिन भी मुस्लिमों का पर्व शब ए बारात मनाया जाएगा। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। और जो सबे बारात के दौरान नमाज वाले स्थानों पे भी हमारी जो व्यवस्था रहेगी और जो होली जलेगी, इसमें जो जो भी आपके पॉइंट दिए होंगे इस पर भी हम फोर्स लगा देंगे। और बाकी हमारी जो व्यवस्था है वो तो हम लगाएंगे, लेकिन ये है कि आपके कोई ऐसे बिंदु या अपन जो चर्चा कर रहे उस दौरान कोई ऐसी बात छूट न जाए जिससे कि हम जो है उस स्थान पर चिन्हित न कर पाए। तो इसलिए अगर आप लोग सभी उपस्थित हुए हैं तो ये जो बिंदु है वो हमारे संज्ञान में आ जाए, तो वहाँ और अपन जो है चिन्हित करके उस स्थान पे फोर्स ज़्यादा लगा दें। और बाकी तो पिछली बार भी बहुत बढ़िया तरीके से जो होली का समापन हुआ था, रंगपंचमी भी अच्छी खेली गई थी, तो उम्मीद करेंगे कि इस बार भी वैसी व्यवस्था लगे और आपका सहयोग मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।